खरगोन जिले के सिगनूर और धूलकोट गांव में एक बार फिर एसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर दो एसडीओपी साइबर सेल की टीम और 5 स्थानों के पुलिस बल द्वारा रेड डालकर अवैध हथियारों को लेकर बड़ी कार्यवाही की है। इस दौरान पुलिस बल द्वारा कुल 14 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं, जिसमें गोगामा थाना क्षेत्र के ग्राम सिगनूर से 12 अवैध देसी पिस्टल और भगवानपुरा थाना क्षेत्र के धूलकोट से 2 अवैध देसी कट्टे जब्त करते हुए 3 आरोपियों को जयपाल सिकलीगढ़ निवासी सिगनूर, गोविंद सिकलीगढ़ निवासी बुरहानपुर और आरोपी गोपाल सिकलीगढ़ निवासी सतीपुरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस बार रेड में ड्रोन कैमरे सहित मेटल डिटेक्टर का भी उपयोग किया गया है ताकि आरोपी भाग नहीं सके, जिसमें गोगावा थाना क्षेत्र के ग्राम सिगनूर और भगवानपुरा के धूलकोट गांव में रेड डालकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों के कब्जे से 14 अवैध देसी पिस्टल और कट्टे बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पुराने भी रिकॉर्ड है। पुलिस इनकी सप्लाई चेन की खोजबीन में जुटी है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। दो थाना क्षेत्रों में रेड हुई है, इसमें भगवानपुरा थाना क्षेत्र और गोगामा थाना क्षेत्र के जो इलीगल वेपन्स के लिए नोन गांव हैं सिगनूर और धूलकोट, इन दोनों गांवों में लेट नाइट एक बड़ी रेड हुई और रेड के दौरान इसमें 3 आरोपी अभी अरेस्ट हुए हैं और तीनों की रिकवरी से और सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन में 14 इलीगल वेपन्स जब्त हुए हैं। इसमें 12 पिस्टल हैं और 2 देसी कट्टे हैं। सिगनूर की जो रेड हुई है उसमें 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं जिनसे 12 पिस्टल मिली हैं और धूलकोट की रेड में 2 अवैध कट्टे बरामद हुए हैं। इन आरोपियों को अभी अरेस्ट किया गया है, फर्दर इनकी जो लिंकेजेस हैं उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। सर कोई नेटवर्क वगैरह या कोई, ये क्योंकि पुराने भी इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं और इनके जो कनेक्टिविटी है उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये बनाने के बाद इनकी सप्लाई चेन क्या है, इस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है। पहले भी इनके अगेंस्ट में कार्रवाइयाँ हुई हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरे का भी उपयोग किया गया, क्योंकि जिस तरह की टेराइन है, जिस तरीके का लोकेशन है, उसमें जनरली रेड के दौरान भागने की कोशिश करते हैं, तो इस बार पुलिस टीमों ने ड्रोन कैमरे का उपयोग किया, उससे भी काफ़ी सफलता मिली है। इसके अलावा जो इलीगल वेपन से मैन्युफैक्चर करते हैं, अपना बनाते हैं, तो उसको आसपास के क्षेत्रों में गड्ढे में या खेत में दबा देते हैं, उसके लिए मेटल डिटेक्टर का भी उपयोग किया गया था, उससे भी काफ़ी मदद मिली है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।